आज के दो टीम मिरुंग एफसी एंड अंतुम एफसी। लंबा शॉट सीधे और यहां कुछ भी हो सकता है। कप्तान 9 नंबर और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ बॉय प्रीतम वाचिंग माय YouTube चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। हो सब जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो सुबह की ब्लॉग की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ टीशनों में शुरू कर रहा हूं। तो अभी बजने वाला है 6, तो मेरा एक क्लासेस खत्म ही होने वाला है और इन लोग नोट्स कर रहे हैं यहाँ पे। और ये था वो मिलेट्स जो मेरी मम्मी खाती है। 5 तरह का स्पेसिमेन लेके आए, हालांकि मुझे नाम पता नहीं है, इसको जरूरी था। आज दोगे ना तुम लोग? तो ये आज ये सबमिट करेंगे स्कूल में। एंड आज इन लोग का और हम लोग का सब स्कूल का नो बैग डे है, तो आज बैग वैग लेके नहीं जाएंगे बच्चे। आज स्कूल में हैंड राइटिंग लाइक डेट ऐसी चीजें प्रैक्टिस वैक्टिस होगा ना। और मेरी आंखों का हालत क्या बताएं, दिन ब दिन और खराब होते जा रहा है। पर कोई नहीं, हर चीज आएगा जाएगा, तो होते रहेगा। तो बाहर का मौसम चेक करो, पूरा बारिश बारिश बारिश, हालत खराब। बारिश ही हो रहा है कल रात से, पता नहीं आज अगर फुटबॉल के समय अगर बारिश हो गया तो लोचा हो जाएगा। तो चलिए अभी चाय वाय पी लेते, ट्यूशन करके सीधा स्कूल चलते। स्कूल से सीधा हम चले जाएंगे SCFT को देखने के लिए, आज का सेरेमनी को देखने के लिए। आज है सोलुंग कम्प फुटबॉल टूर्नामेंट का सिल्वर जुबली का ओपनिंग सेरेमनी, और आज एक मैच भी होगा। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। चलिए गाइस, फाइनली घर पे आ चुके हैं। एक्चुअली मैं स्कूल से रोइंग चला गया था थोड़ा आई का चेकअप कराने के लिए, तो चेकअप करके अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूँ। कुछ सामान भी लाना था रोइंग से, अभी चलते हैं सीधा फिल, वहां जाके आप लोगों को मिलते हैं गाइस। चलिए फिल चलते हैं। काफी बारिश हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं आज से खेल कैसा होगा। फिल में आ गए हम लोग को, ये एंट्रेंस हम लोग का आज का आईपी आलंग का। हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं अभी, डिप्लो दादा आगे रोइंग से। तो ये है आज का हमारा स्टेज, देख सकते हैं सोलुंग कम्प फुटबॉल टूर्नामेंट डांबुक सिल्वर जुबली SCFT 2023। दैट्स वाई इसको थोड़ा बड़े से बड़े पैमाने में अरेंज किया गया है। और आप बीच में देख सकते हैं ट्रॉफी है, विनर ट्रॉफी, और यहाँ पे बॉल रखा गया है। सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं अभी फिलहाल, हमारे ADC सर भी आ गए, EAC सर आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड सारा गांव बड़ा पीछे बैठे हुए हैं। एंड अभी हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। चीफ गेस्ट आज हमारे HMLA 42nd असेंबली की MLA मैडम गुमताई मैडम आने वाले। तो हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं और सारे टीम्स यहाँ पे आ गए, अबाउट 11 टीम्स टोटल आप देख सकते हो उस कॉर्नर से है। मीन टाइम में ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारा ये जो सोलुंग कम्प फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये अपना PHE की तरफ से जल जीवन मिशन को भी अवेयरनेस और प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं जो जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जैसे कि हर घर में टैप कनेक्शन होना। दूसरा, रिजोल्यूशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया, जो पाइप तो हर घर में लग जाता है पर जो वाटर कैचमेंट जो एरिया है उनको हमें सेफ करने का बनता है। मतलब ना, जहाँ से पानी आता है उस जगह में अगर हम लोग प्रॉपरली मैनेजमेंट ना किया जाए तो चीज़ें गलत हो सकते हैं। रिजोल्यूशन फॉर वाटर टैरिफ कलेक्शन, इसका मतलब ये है कि हर बस्ती लोग अपने आप एक रिस्पॉन्सिबल होता है, उन लोग अपना बस्ती के लिए अपना एरिया के लिए पैसा कलेक्शन करते हैं ताकि वहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट हो सके पानी का ना। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, आपको यहाँ दिखाता हूँ विलेज वाटर टैरिफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे किए हैं कातोन पाकसाम 60,000, ऐसे हर बस्ती का अलग अलग दिया हुआ है जो अपना कलेक्शन किए फॉर देयर ओन, जो अपना एरिया के लिए पानी के लिए जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो ऐसा कलेक्शन किए, रेवेन्यू कलेक्शन किए ताकि वो अच्छे से अच्छे सप्लाई दे पाए ना। इधर आप अवेयरनेस ऑफ कैचमेंट एरिया भी देख सकते हैं, प्रोटेक्शन इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, डोंट कट द ट्री इन एंड अराउंड द कैचमेंट एरिया ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे हमें तापत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ईप्रोम कोरोंग को आप देख सकते हैं। अगर आसपास के पेड़ को आप काट दोगे तो वाटर कैचमेंट होगा नहीं, और वाटर कैचमेंट अगर होगा नहीं तो आपका घर तक पानी नहीं पहुँचेगा। बहुत प्रॉपरली ये जल जीवन मिशन को प्रमोट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट किया गया है आपका PHED डांबुक। और आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस लिखा हुआ है, इप्रोम कोरोंग जो याबगो में सप्लाई करता है, बारेक कोरोंग जो तापात कातों में सप्लाई करता है, ओनु कोरोंग जो कापांग में सप्लाई करता है, रोइंग कोरोंग, कोरोंग मीन्स छोटा सा नदी, जो रेमी पोबलुंग और इसमें सप्लाई करता है। ऐसे हर प्रॉपर जहाँ से कलेक्शन होता है वाटर का ना, वहाँ पे आपको दिया गया है। तो सबसे निवेदन है कि जो जल जीवन मिशन को अवेयरनेस को आप प्रमोट करें, आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि प्रॉपरली हम
वाटर का मैनेजमेंट कर पाएं, सिर्फ घर तक पाइप पहुंचना, हर घर में वाटर पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मेन बात है कि जो कैचमेंट एरिया है उनको सेफ करना ना। इसमें वही मिशन को, वही ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे दिखाया गया जल जीवन मिशन में। बाकी आप देख सकते हो जल जीवन मिशन को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जल की कमी ना हो। A few inches later. तो गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए सब लोग आ गए हैं। यहाँ पे पोनुंग टीम भी ऑलरेडी यहाँ पे है जो चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ हमारे चीफ गेस्ट एमएलए मैडम आ चुके हैं, साथ में हमारा जेडपीसी सर भी है। आप देख सकते हैं हमारे एमएलए मैडम, जेडपीसी सर, ये हमारे अरसंग सिरम के पूरा टीम वेलकम करते हुए। सारे वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं ऑलरेडी। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन सलूम कप फुटबॉल टूर्नामेंट दांडुक इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती गुमटाई, ऑनरेबल एमएलए 42 दांडुक एंड एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर पीआर एंड आरडी इन प्रेजेंस ऑफ श्री टोनी बरांग CZP LDV on 19/8/2023 organized by Arsang Sehru. So chief guest द्वारा भी flag hosting होगा इस सीट का। आइए स्वागत कीजिए। अकेला लगा। Hey Charles. सारे हमारे डेलीगेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, अब खेल की शुरुआत होने वाली है। आप चेक कर सकते हो सारे प्लेयर्स आ गए, 11 टीम हमारे यहाँ पे, तो दोनों तरफ सारे टीम खड़े हैं। तो वेलकम स्पीच हो रहे हैं नवर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट सॉकर CZP श्री थोड़ी बोरांग सर पुलिस पुतो का आया सुना पुलिस की फिक्शन हो रहा है हमारा एमएलए मैडम की कहाँ मैं पुलिस पुतो बोलो मैं आया ना मैडम मैं बोलो हमारा नियमों को कमिटी तरफ लगा जब किसी से सीटा नहीं बना फेलिसिटेशन हो रहे हैं इनका SCST के द्वारा। और ADC डम्बुक श्री शिव पसंद उनका भैया ले रहे हैं।
अभी मेगा डांस होगा केजीबी की तरफ से, इट्स अ ओपनिंग सेरेमनी डांस बाय केजीबी डम्बू। Belok so ala tanam me mungkin si room si si me ilan bone turnamen si me ina me burung kom. दो टीम का मेंबर जितना है हाथ आगे बढ़ाइए, पहले प्लेज होगा उसके बाद की गोल। तो अभी पहले स्पोर्ट्स प्लेयर लोग का प्लेज होगा। प्लेयर्स ऑफ एसएफटी 2023 डू हियर वाइज सलाम दैट I will abide by the rules and regulation of the game. Then I will respect all calls and decision of the referee and officials. तो अभी kick off ceremony शुरू हो जाएगा। Tournament open. दो टीम मिरुंग एफसी एंड अनुपम एफसी। फॉर्मल प्रोग्राम एमएफसी वर्सेस एएफसी। दोनों अनुपम का टीम है। असिस्टेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एसएटी। यहां पे आज के रेफरी मेदो पटेल सर। सो दोनों डिसिप्लिन टीम, ये अनुपम एफसी वो मिरुंग एफसी, आज के पहला खेल इन दोनों के बीच होने वाले। सिलो के मेडिकल टीम पर आविना किदार अपर साइड को लिया, दलो पुलिस पुलिस टीम किदार लोअर साइड को लिया। दलो आगे के लोग हम पक्षु पाला सिलो के फुटबॉल हम सिल्वर जो भी Markador tay 6, Budi tay 12, Budi open, Siva Parme. दर्शकों को बता दो ये पहला मैच अनुपम एफसी है और इधर है एमएफसी मेरुंग एफसी। ये मिक्स है, टॉस जीता और पहले और इस तरफ पूरा प्योर अनुपम का है जिसके वजह से बॉल पहले खेल अभी शुरू होने वाला है। डिफेंडर एमएफसी के अपने साथी खिलाड़ी 9 नंबर के लिए बहुत ही अच्छी गेंद यह देखना होगा और ये बहुत बढ़िया पेसिंग कुछ भी हो सकता है मगर दिशा है बहुत ही वेल शॉट। अच्छा खिलाड़ी लग रहा है अब तक यहाँ पे मगर छीनने में कामयाब एमएफसी के खिलाड़ी। ये बहुत ही सुंदर है फ्री किक मगर दिशाहीन अपने 10 नंबर के खिलाड़ी अंपायर के बॉल को क्लियरेंस करने हेडिंग एक बढ़िया हेडिंग मगर वहाँ डिफेंडर मौजूद रेफरी की कोचिंग ये है और यहाँ तांबे में एक स्टैंडर्ड गेम खिलाते हैं और ये गोल आने की कोशिश चांस मगर बहुत ही एक सुई की धागे की तरह बहुत ही कम मार्जिन में यहाँ आउट धरकड़ा रुकाने वाली शॉट और इसी के साथ फिर से कॉर्नर लेंगे एमएफसी के खिलाड़ी मगर वहां डिफेंडर मौजूद थे सुंदर क्लियरेंस के साथ मगर और ये काउंटर अटैक पे जाते हैं मगर वहां डिफेंडर मौजूद 8 नंबर के खिलाड़ी एक लंबा क्लियरेंस के साथ कोई भी मौजूद नहीं और ये आउट अंतिम के डिफेंडर और ये लंबा शॉट अपने साथी को देने की कोशिश मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं और इसी के साथ एक पास लेफ्ट फ्लैंक में 7 नंबर खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी 4 नंबर अपने साथी खिलाड़ी 13 नंबर को लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हुए और यहां पहला डिफेंडर को बीट करके ये अंदर किया बॉल को मगर वहां
एमएफसी के अंदर होते जा रहा है एक बीट के बाद बीट के अगर उसके आगे नहीं कर पाए और उसके साथ ये फिर से एमएफसी के साथ बॉल और अब तक करने की बहुत ही अंदर बढ़िया अंदर लेकिन और हेडर मिस करते हुए एमएफसी के खिलाड़ी काफी रोमांचक खेल चल रहा है यहाँ पे गोल की का क्लियरेंस ये 90 नंबर के खिलाड़ी ये भी गोल देंगे लग रहा है बिल्कुल पर ये एएफसी का डिफेंडर बहुत अच्छा है 16 नंबर हां तो के 13 नंबर के खिलाड़ी आगे बॉल को ले जाते हैं बहुत ही लंबा क्लियरेंस देते हुए मगर वहां कोई मौजूद नहीं और गोल की के पास बॉल गोल की क्लियर करते हुए एक नंबर के लिए एक नंबर हेडर के साथ अपने साथी खिलाड़ी चार नंबर को बहुत बढ़िया बढ़िया 71 नंबर के खिलाड़ी को देते हुए यहां पे लेफ्ट लेग से अटैक किया जा रहा है अंतुम के द्वारा और ये बहुत ही छोटे छोटे पास के साथ आगे बढ़ाते हैं ये लंबा शॉट और ये बाहर कॉर्नर शायद कॉर्नर का इशारा है रेफरी का पहला कॉर्नर और ये किक लेते हुए अंतिम पर खिलाड़ी बढ़िया लंबा वाला शॉट और फिर से अपने साथी को पास देते हैं 11 नंबर के खिलाड़ी का इन हाइट छोटा होने के कारण छीनने में कामयाब और फिर से यहाँ पे 11 नंबर के खिलाड़ी एमएफसी के लंबा शॉट सीधे और यहाँ कुछ भी हो सकता है कप्तान 9 नंबर और ये गोल पहला गोल एमएफसी के द्वारा बढ़िया खेल चल रहा है अभी तो पहला में तो एमएफसी ने एएफसी को एक गोल दे दिया अब देखते हैं कौन जीतता है तो मेरा बैटरी भी डाउन हो गया इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं मिलते हैं फिर से नए नए ब्लॉग के साथ तब तक लिए खुश रहे अपने मन के करें और अपने दिल के संदेश से बहुत प्रीतम साइनिंग आउट जय हिंद जय भारत